क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, विधायकों ने किया सदन का बहिष्कार। बिहार में लालू यादव को मिली जमानत, 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई। बिहार में बीजेपी विधायक 2 दिन के लिए निलंबित, तो विधायक पर सदन में माइक तोड़ने का आरोप। शहर समय कार्यालय का चक्कर लगाता युवक, राजस्व कर्मचारियों की मनमानी आई सामने। सुपौल में धूमधाम से मनाया जा रहा जिला स्थापना दिवस, डीएम समेत कई अधिकारियों ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सत्र की शुरुआत होने से पहले ही भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया, साथ ही विधानसभा परिसर में सभी भाजपा विधायक इकट्ठा हो गए और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और धरने पर भी बैठ गए। विधायकों ने कहा कि हम लोग यहीं बैठकर शैडो विधानसभा चलाएंगे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने भागीरथी देवी को शैडो सदन का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद राजभवन मार्च करने की भी घोषणा की। तो भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया है, विधानसभा में भाजपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने सदन का भी बहिष्कार किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा के विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद भाजपा के जो तमाम जो विधायक है सदन को बॉयकॉट किया, आज सदन के बाहर लोग बैठे हुए थे। वही जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा जो बची, उसके बाद आज जो कोर्ट में पेशी होना था, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। उसके बाद जो लालू प्रसाद जो उनके पार्टी के जो विधायक थे, विधायक लोगों को मिठाई लड्डू बांट रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने बीजेपी के जो तमाम जो विधायक बाहर बैठे हुए थे उनको भी लड्डू लेकर आए बाहर। लेकिन जो बीजेपी के जो विधायक थे हरिभूषण ठाकुर बतौल, उन्होंने लड्डू को फेंक दिया और कहा कि जो ये जो हम लोगों को जहरीली लड्डू दी जा रही है, यानी कि जो हम लोग को मारने की साजिश की जरिए पहले तो हम लोग को सदन से बहिष्कार बाहर फेंका गया, अब जो है हम लोग को मारने की प्लानिंग की जा रही है। अब वही जो बीजेपी के जो तमाम जो विधायक थे और जो नेता प्रतिपक्ष विधायक कुमार सिन्हा थे, उन्होंने विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया रहा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद राज्यपाल से ज्ञापन सौंपने के बाद जो वही जो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी ने, उन्होंने तो विधायक को जो निलंबित किया था मामला को अस्वीकार पारित कर उन्होंने विधायक को विवेक का जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट दी गई और जिस तरीके से बीते दिनों जो भाजपा के विधायक है वो भ्रष्टाचार को लेकर उनको घेरते हुए नजर आए, पूरे यादव परिवार को घेरते हुए नजर आए और आज जब उन्हें क्लीन चिट दी गई, तो ऐसे में क्या कुछ विधायकों ने अपनाया या क्या कुछ तरीका विधायकों ने प्रदर्शन के लिए अपनाया? जी बिल्कुल, एक तरफ जो आरजेडी में खुशी की लहर है तो वहीं बीजेपी के जो तमाम विधायक है वो कह रहे हैं कि
जो सीबीआई को जो कोर्ट है वो कोर्ट ने जो जमानत दिया उसका हम लोग स्वागत योग्य करते हैं। लेकिन और बीजेपी के जो विधायक हो चाहे बीजेपी के जो मंत्री हो जो केंद्र में मंत्री हो वो लोग बचते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को जमानत के मामले में अब बिहार में जो आरजेडी जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो खुशी लहर लड्डू और मिठाइयां बांट रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनकी बेटी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी एवं आरजेडी सांसद को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है और मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में तीनों आरोपी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। वही इस मामले पर अगली सुनवाई 29 को होगी लेकिन आज उन तीनों को ही क्लीन चिट कहीं ना कहीं दे दी गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट में ये तीनों ही लोग पेश हुए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लालू यादव के साथ उनके पत्नी और उनकी बेटी को जमानत मिल गई है तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक यादव परिवार से आई है? बिल्कुल, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है उसके बाद जो आरजेडी में आरजेडी कुनवे में खुशी जला रहा है वही विपक्ष ने दुखाई जा विपक्ष के लोग बोलने से कर जी। विवेक, तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे लेकिन 29 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई हुई है। वही अगर आरजेडी जो विधायक है और जो सभी कार्यकर्ता है वो खुशी में नाचते गाते और मिठाई बांटते हुए नजर आए क्योंकि उनके नेता को आखिरकार जमानत मिल गई है। बिहार विधानसभा से बीजेपी विधायक लखेंद्र पाल पासवान को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। विधायक पर सदन में माइक तोड़ने का आरोप है। बता दें कि सदन में हुए हंगामे के दौरान उन्होंने माइक तोड़ दिया था जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको 2 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। वहीं विधायक निलंबन के विरोध में बीजेपी विधायक धरने पर भी बैठ गए हैं। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के द्वारा माइक तोड़े जाने का मामला सुलझने का अब नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं। सरकार तानाशाह कर रही है, हम लोग तानाशाही नहीं चलने देंगे, हमारे विधायक को सदन आने की अनुमति दी जाए, लखेंद्र पासवान को नहीं तो हम लोग सदन का बहिष्कार करेंगे। कैसे होता है और संविधान के पड़े कोई काम नहीं करता है। विधानसभा के नियमावली है और उसके तहत ही विधानसभा की कार्यवाही चलती है। बात उठाई है लेकिन ऐसा है कि सीबीआई और ईडी ये तो स्वतंत्र है पूरे देश में। हाँ, इनकम टैक्स तो अपना कहीं भी जा सकती है, उसको रोक भी सकते हैं आप, काम है। अब ये जो बात उठाए हैं हमको नहीं लगता, हाँ अगर ये बात सच है कि सीबीआई और ईडी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में करके रखा है, निश्चित तौर पर ये सोचने का विषय है। इसको माननीय मुख्यमंत्री से सवाल सदन में बोला है। जनता पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या है तो ऐसा उनका कहना है। मैं तो शुरू से बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी ही यहाँ पे और आप देखिएगा हर दिन क्वेश्चन आवर को हैम्पर करते हैं लोग, ढंग से क्वेश्चन आवर नहीं होने देते हैं। का कार्यसंचालन नियमावली करता है, कहता है कि चाहे विपक्ष के सदस्य हों चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों सब लोग 11 बजे से सदन में रहें, अल्पसूचित प्रश्न को उठाएं, तारांकित प्रश्न का जवाब लें सरकार से। तो ये तो जो कार्यसंचालन नियमावली है उसके हिसाब से सदन के अंदर उनको रहना चाहिए। माँ बाप लड़के के तरफ से खड़ा होकर लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, उसी तरह का सीन यहाँ पर हमारे विपक्ष के नेताओं का है। लखेंद्र जी ने जो किया वह उसका विजुअल दिखाया गया, सारी चीज़ों को देखने के बाद यह फैसला माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया गया। आप बोलने नहीं देंगे, विपक्ष की आवाज़ को दबाएंगे, समान अधिकार होता है। उस आसन पर मैं भी बैठा था और पूरा बिहार और देश की जनता देखिए कि विपक्ष को कितना तरजीह देते थे, कभी ये माहौल खड़ा होने का मौका नहीं दिया था।
लगातार बढ़ रही गर्मी से चमकी बुखार का खतरा भी बढ़ गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने लगभग 24 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गांव गांव जाकर लोगों को चमकी बुखार के प्रभावी नियंत्रण और बचाव को लेकर जागरूक करेंगे। प्रशिक्षण लगभग हम लोगों ने कंप्लीट करा लिया है और गांव में प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, पंचायत के विभिन्न मेंबर्स, इन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और सेंसिटाइज भी किया गया है। और हम लोग बिल्कुल जीरो डेथ पॉलिसी, मिनिमम केसेस हम लोग के सामने आए, इस पॉलिसी भी हम लोग चल रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं इस बार चमकी को। सुपौल में जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से 33 साल पहले यानी 14 मार्च 1991 को अलग होकर सुपौल जिला बनाया गया था, जो आज से 33वें वर्ष में प्रवेश हो गया है। इस अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा जिला स्थापना दिवस समारोह प्रसन्नता पूर्वक मनाया जा रहा है। स्थानीय गांधी मैदान में इस भव्य समारोह का आयोजन हुआ। वही इस दौरान कार्यक्रम में डीएम उप विकास आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। के बिहार में प्रवेश द्वार होने मात्र से ही नहीं बना है, प्राचीन काल से ही क्षेत्र की कथा पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक सद्भावना, भाईचारा एवं एकजुटता के विशाल अद्वितीय राजनीतिक दर्शन एवं मनमोहनी सांस्कृतिक कारणों के से अपनी एक अलग पहचान बनाता रही है। 2420 वर्ग किलोमीटर में फैले सुपौल के क्षेत्र को महाभारत काल से ही मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ देवी देवता के रमनते रहने की बातें कहीं और सुनी जाती हैं। बसंत ऋतु के हर्षित काल के में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम स्थापित। सहरसा में एक युवक निजी जमीन की रसीद कटवाने के लिए पिछले 6 महीने से कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। युवक ने बताया कि इसके लिए मुझे कोर्ट द्वारा आदेश भी प्राप्त हुआ, सभी हिस्सेदार का जमीन काटकर मेरे नाम से जमीन की रसीद कटनी है, लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा रसीद काटने के नाम पर केवल समय दिया जाता है। राजस्व कर्मचारी जमीन का रसीद काटने में आनाकानी भी कर रहे हैं। कर दीजिए कर्मचारी उनके लिए करके 10,000 टका हम घूस लेंगे। अच्छा। तब ये काम होगा। आपका कर्मचारी कौन है? हमारा विपिन कुमार यादव जी। 10,000 आपसे रिश्वत मांगी? जी हाँ। तब ये काम, कौन सा काम के लिए गए थे? वो रसीद कटवे ले सर। अच्छा। मतलब कोर्ट आपके पक्ष में डिसीजन दे दिया है सर। कहाँ घर है आपका? कहाँ सर घर है? वार्ड नंबर 9। नाम क्या है? मोहम्मद जमालुद्दीन। पश्चिमी की पूर्वी काम पश्चिमी। इसको लेके अंचल कार्यालय कुछ समझो सीओ साहब से मिले थे? जी हाँ, मिलिए मैडम साहब से, कल के सीओ साहब से, अच्छी कर्मचारी से मिलिए। सहरसा में कोचिंग जा रही छात्रा रास्ते से लापता हो गई और परिजनों ने अपर